अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन अम्मा बा'द फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अमीर अहले सुन्नत से शायरी के बारे में सवाल जवाब। ये मजमून अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातहुमुल आलिया की किताब कुफ्रिया कलिमात के बारे में सवाल जवाब और मलफूजात अमीर अहले सुन्नत की मुख्तलिफ किस्तों से लिया गया है। दुआए जानशीने अमीर अहले सुन्नत। या अल्लाह पाक, जो कोई 17 सफहात का रिसाला शायरी के बारे में सवाल जवाब पढ़ या सुन ले, उसे फजूलियात से बचाकर अपने और अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिक्र में मशगूल रहने वाली ज़बान अता फरमा। आमीन बिजाही खातमिन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दुरूद शरीफ की फजीलत अमीरुल मोमिनीन मौलाए कायनात अलीयुल मुर्तज़ा शेर खुदा रदियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, जब किसी मस्जिद के पास से गुजरो तो रसूल अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ो। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। शायरी के ख्वाहिशमंदों के लिए मदनी फूल। सवाल, कोई इस्लामी भाई हुजूर अलैहि सलाम की शान में अशआर लिखना चाहता है तो उसे किस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए और किस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करने चाहिए? जवाब, अव्वल तो मशवरा यही है कि अशआर लिखने का शौक़ पैदा ना करें, क्योंकि इल्मे उरूज बाकायदा शायरी का एक मुश्किल फ़न है। नीज़ हमद नात साहबाए किराम व अहले बैत रदियल्लाहु अन्हुम और बुजुर्गान दीन रहमतुल्लाहि अलैहिम की मनक़बत के अशआर लिखने के लिए कुरान और हदीस पर नज़र होने के साथ साथ अल्फाज का बहुत सारा ज़ख़ीरा, फ़न में महारत और बहुत सारा इल्म चाहिए। मैंने आवाम में से बहुत से लिखने वाले और वालियों के कलाम देखे हैं जिनमें ऊट पटांग बातें होती हैं, ना रदीफ का भान यानी ध्यान होता है, ना काफिया का कुछ अता पता और ना ही वज़न सही होता है। इसके बरक्स जो वाक़ई शुअरा होते हैं वो फ़न उरूज का तो ख्याल रख लेते हैं, लेकिन उनसे भी शरई मामलात में गड़बड़ हो जाती है। लिहाजा आलिम दीन, माहिर फ़न और अच्छा खासा इल्म रखने वाले शख्स का शायरी करना ही समझ आता है। बहरहाल, अगर कोई आम आदमी शायरी करता है तो उसे चाहिए कि वह अपने अशार को किसी माहिर फ़न आलिम दीन को चेक करवाए और उनकी हिदायत पर अमल करे। शायरी का शौक़ या शोहरत की हवस। याद रखिए, शायरी बहुत मशगूल करने वाला काम है। इसमें बंदा वाह वाह से बच नहीं सकता है और हुब्बे जा में जा पड़ता है। जिसे अल्लाह पाक बचाए वो ही बच सकता है। मैं आपको इसकी मिसाल देता हूँ, जैसे कोई शख्स कलाम लिखता है तो वो उसमें अपना मक्ता ज़रूर लिखेगा, यानी कलाम का सबसे आखिरी शेर जिसमें शायर अपना तखल्लुस बयान करता है। अब अगर किसी ने उस शायर का कलाम पढ़ा और उसमें मक्ता नहीं पढ़ा तो उस शायर को कल्बी तौर पर रंजो सदमा होगा, बल्कि अगर उससे बर्दाश्त ना हुआ तो वो बोल भी देगा कि भाई मक्ता तो पढ़ें ताकि पता चले कि ये कलाम माँ बदौलत ने लिखा है। ज़ाहिरन इस नीयत में फसाद मौजूद है। फिर मक्ता में नाम ना डालना भी बहुत बड़ी आजमाइश है कि अगर शायर अपना नाम नहीं डालता तो उसे ये बात तंग करेगी कि लोगों को पता कैसे चलेगा कि ये कलाम मैंने लिखा है। अलबत्ता इस बात का ख्याल ज़रूरी है कि मेरे इन मदनी फूलों को बुज़ुर्गों पर कयास ना किया जाए, जैसे सरकार आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान रहमतुल्लाहि अलैह ने मक्ता में रज़ा लिखा। इसी तरह दीगर बुज़ुर्गों ने भी अपने कलामों में नाम डाले हैं। याद रखिए, हमारे बुज़ुर्गान दीन सरापा इखलास होते थे। हमारा इतना ज़र्फ़ कहाँ है? बाद बुजुर्गों ने अपनी लिखी हुई किताबों पर इस खौफ से अपना नाम नहीं लिखा कि कहीं क़यामत के दिन ये ना कह दिया जाए कि तुमने किताब इसलिए लिखी थी ताकि तुम्हारा नाम मशहूर हो जाए, सो तुम्हारा नाम हो गया, तुम्हारी वाह वाह भी हो गई, अब तुम्हारे लिए कुछ नहीं है। फिर ऐसों को औंधे मुंह जहन्नम में डाल दिया जाएगा। हदीस शरीफ में तीन अफराद की तरफ इशारा है, यानी आलिम, सखी और राह खुदा में शहीद होने वाला, कि इन तीनों से उनके आमाल के बारे में पूछा जाएगा। तो ये सब अपने अपने तौर पर अल्लाह पाक की नेमतों का इकरार करेंगे और उसका शुक्र अदा करेंगे और बताएंगे कि हमने ये खिदमत की, ये सखावत की, ये किया, वो किया। फिर उनसे कहा जाएगा कि तुमने ये सब कुछ इसलिए किया ताकि तुम्हें आलिम, सखी और बहादुर कहा जाए, वो तो कह लिया गया। फिर उन्हें जहन्नम में डाल दिया जाएगा। हज़रत मुफ्ती अहमद यार खान रहमतुल्लाहि अलैह इस हदीस पाक के तहत फरमाते हैं कि ये हर अमल के लिए है। हर एक गौर करे कि नाम के लिए अमल करने वालों के साथ क्या होगा। वाकई नाम की शोहरत में बड़ी लज्जत होती है। यही वजह है कि बाज़ लोग अतियात और डोनेशन देते हैं तो उनकी ख्वाहिश होती है कि उनके बारे में टीवी और अखबार पर ख़बर आनी चाहिए कि माशाअल्लाह मौसूफ ने इतना इतना चंदा और डोनेशन दिया है। करने वाले ये सब करते हैं, अलल ऐलान करते हैं। अब अल्लाह पाक बेहतर जानता है कि किसकी क्या नीयत है। हम किसी की नीयत पर हमला नहीं कर सकते, लेकिन बाज़ औक़ात वाज़ेह करीना होता है कि चंदा देने वाला फला शख्स अपनी वाह वाह चाहता है, लेकिन ख्याल रहे कि बाज़ औक़ात करीना गलत साबित होता है। लिहाजा किसी को अपनी तरफ से करीने निकालने की ज़रूरत नहीं है। हमें सिर्फ हुस्ने ज़न रखना चाहिए, इसी में आफियत है। खुदा की रिज़ा की चाहत या दादो तहसीन की तमन्ना। इसी तरह मुसन्निफ़ भी गौर करे, शायर भी गौर करे, मुबल्लिग भी गौर करे, मदनी काफिले का मुसाफिर भी गौर करे। ये एक सांस में अपनी कारकर्दगी दे रहे होते हैं। कोई कहता है मैंने 12 माह में सफ़र किया, कोई कहता है 25 माह सफ़र किया, तो कोई कहता है मैं तो हूँ ही वक्फ़े मदीना। ये यकीनन सआदत की बात है। मैं उनके बारे में ये नहीं कह रहा कि ये लोग रियाकार हैं, लेकिन इनको अपने दिल पर गौर कर लेना चाहिए कि मैं ये क्यों कह रहा हूँ। अगर उनकी ये बात सुनकर किसी ने कह दिया कि वाह भाई आपने तो बड़ी कुर्बानी दी है, आपकी क्या बात है। इसी तरह मुबल्लिग का बयान सुनकर किसी ने कहा कि आप तो वाकई बहुत अच्छा बयान करते हैं, या किसी ने सुबहान अल्लाह कह दिया। इसी तरह नात खां से नात सुनकर कह दिया कि वाह सुबहान अल्लाह आपकी कितनी प्यारी आवाज़ है, या कह दिया कि आपने कितनी प्यारी आवाज़ पाई है। तो उन लोगों के दिल में क्या ख्याल पैदा होता है। कहीं लोगों का उनके लिए तारीफ़ी जुमले कहना उनके लिए पगार यानी उजरत की हैसियत तो नहीं रखता। इसी तरह क़िराअत करने वाले कारी साहिबान भी गौर करें, कहीं उन्होंने तजवीद के सारे कवायद माइक पर तिलावत के लिए तो वक्फ़ नहीं किए हुए। जब ये अपनी नमाज़ें पढ़ते हैं उसमें कवायद तजवीद का ख्याल रखते हैं, कहीं ये सारे कवायद का लिहाज सिर्फ आवाम से दादो तहसीन वसूल करने और वाह वाह सुनने के लिए तो नहीं करते। याद रखिए मेरी इन तमाम बातों का मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि अगर कोई कारी साहिब अच्छी तिलावत करें तो उनको ये कहा जाए कि ये तो आवाम को दिखाने के लिए इस तरह पढ़ रहे हैं, या इनके दिल में इखलास नहीं है वगैरह। जाहिर है किसी को भी इस तरह बदगुमानी करने और दूसरों पर हुक्म लगाने की इजाज़त नहीं है। याद रखें अल्लाह पाक को सब पता है। हमें चाहिए कि हम गौर करें कि हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों लिख रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्यों कह रहे हैं, क्यों बयान कर रहे हैं, क्यों दर्स दे रहे हैं, क्यों मदनी काफ़िले में सफ़र कर रहे हैं, क्यों इलाकाई दौरा बराए नेकी की दावत कर रहे हैं, क्यों नाते पढ़ रहे हैं, क्यों तिलावतें कर रहे हैं, क्यों क़िराअतें कर रहे हैं, क्यों तहज्जुद पढ़ रहे हैं, क्यों नेक अमाल के रिसाले पर अमल कर रहे हैं। ऐ काश हम वही काम करें जिसमें सवाब मिले और रब की रज़ा हासिल हो। अल्लाह करीम हमें इखलास नसीब करे और हुब्बे जाह से बचाए। गुमनाम बंदों की शान व अजमत। हुब्बे जाह का मतलब है अपनी इज्जत व शोहरत की ख्वाहिश करना और ये चाहना कि मैं मशहूर हो जाऊँ, लोग मेरी इज्जत करें, मेरी खूब वाह वाह करें, या इस नीयत से अपने ख़ानदान की निस्बत बयान करना। मसलन किसी ने अपने आप को सैयद कहा या अपने बारे में बताया कि मैं फ़लाँ पीर साहिब की औलाद हूँ या फ़लाँ बुज़ुर्ग से मेरी निस्बत चली आ रही है, मैं ये हूँ वो हूँ, ताकि लोग मेरी इज्जत करें, मेरे हाथ चूमें और कहें वाह भाई माशाअल्लाह आप उनके पोते हैं या उनके पड़पोते हैं या उनके बेटे हैं, या कहें अरे वाह आप फ़लाँ हैं वाह भाई। अगर ये खुद अपना तारुफ ना भी करवाए तब भी ख्वाहिश होती है कि मेरा तारुफ करवाया जाए कि मैं कौन हूँ, किसका रिश्तेदार हूँ, किस बड़ी शख्सियत के साथ मेरा ताल्लुक़ है या मैं किस बड़ी शख्सियत के साथ होता हूँ। जी हाँ, जो किसी शख्सियत के साथ होता है उस शख्सियत की वजह से भी उसकी इज्जत या आवभगत की जाती है, ये भी एक ख़तरा है। देखा जाए तो हर मामले में रिस्क फैक्टर मौजूद है। अल्लाह करीम हमारे हाल पर रहम फरमाए और उन गुमनाम बंदों का सदका मिले जिनके बारे में कहा गया कि इनको दरवाजे से दूर कर दिया जाता है, इनको पूछा नहीं जाता, बीमार होते हैं तो इयादत करने वाले नहीं होते, फौत हो जाए तो लोग जनाजे में आने की ज़हमत नहीं करते। ऐसे गुमनाम बंदों की अहादीस मुबारक में शाने बयान हुई हैं। बज़ाहिर गुमनाम को कोई नहीं जानता लेकिन उसके लिए रब का जानना काफ़ी है, यानी बंदे जाने ना जाने इससे उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, रब तो जानता ही है, उनके लिए यही काफ़ी है। अल्लाह पाक चाहता है तो अपने ऐसे गुमनाम बंदों को शोहरत अता फरमा देता है, ये उसी की मर्ज़ी और मशीयत है। लिहाजा अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम, सहाबाए किराम रदी अल्लाहु अन्हुम, औलिया किराम और उलमाए किराम रहमतुल्लाहि अलैहिम अजमाइन की शोहरत के बारे में ये नहीं सोचना कि ये हस्तियाँ गुमनाम नहीं थीं तो उनके फ़ज़ाइल हासिल नहीं होंगे। इन हस्तियों के अपने अपने मकामात हैं। शोहरत हम जैसे लोगों के लिए ख़तरे का जाल है, एक जगह से बचते हैं तो दूसरी जगह फंस जाते हैं और फिर खुद साख्ता मसलहतें तलाश करके ख़ुद को मुतमईन करते हैं कि मेरी ये नीयत नहीं थी, मेरा वो मकसद नहीं था, या मेरी मुराद फ़लाँ चीज़ थी वगैरह वगैरह, और बाज़ औक़ात ख़ुद को बचाने या झेप मिटाने के लिए झूठ का सहारा भी ले लेते हैं और ये सब वबाल इसी शोहरत का होता है। अल्लाह करीम हम सब को सच्चा कर दे और हमेशा हमेशा के लिए हमसे राज़ी हो जाए। शायरी का शौक़ रखना कैसा? सवाल। मुझे शायरी का बहुत शौक़ है, बराए करम मेरी रहनुमाई फरमाइए। जवाब, शायरी का शौक़ अच्छा नहीं है। याद रहे कि अशार फ़ी नफ्सी ही बुरे नहीं क्योंकि वो एक कलाम है। अगर अशार अच्छे हैं तो वो अच्छा कलाम है और बुरे अशार हैं तो वो बुरा कलाम है। जैसा कि हज़रत उर्वा रदी अल्लाह अन्हु से रिवायत है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शेर एक कलाम है, अच्छे अशार अच्छे कलाम की तरह हैं और बुरे अशार बुरे कलाम की तरह हैं। और हज़रत आयशा रदी अल्लाहु अन्हा फरमाती हैं, बाज़ अशार अच्छे होते हैं और बाज़ बुरे होते हैं, अच्छे अशार को ले लो और बुरे अशार को छोड़ दो। मैंने शुआरा के कलाम में कई जगह कुफरियात देखे हैं। कई नामवर शुआरा जिन्हें तारीख़ में बड़ी अहमियत दी जाती है उन्होंने भी ऐसी ख़ताएँ की हैं कि उनके अशार पढ़कर बंदा सर पकड़ ले कि कहीं अल्लाह पाक और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में तौहीन आमेज़ कलिमात लिख दिए, कहीं जन्नत का मजाक उड़ाया तो कहीं फ़रिश्तों के तक़द्दुस पर हमला किया। शायद इन्हीं शायरों के बारे में किसी ने कहा है, जहन्नम को भर देंगे शायर हमारे, क्योंकि जिसने ऐसे कुफरियात बके जिस पर इल्तिज़ाम कुफ्र का हुक्म लाजिम आता है और बगैर तौबा किए मर गया तो वो मुर्तद हुआ और हमेशा जहन्नम में रहेगा। कुफ्र की दो किस्में हैं, नंबर वन लुजूम कुफ्र, नंबर टू इल्तिजाम कुफ्र। लुजूम कुफ्र ये है कि जो बात कही वो ऐन कुफ्र नहीं मगर कुफ्र तक पहुँचाने वाली होती है, और इल्तिजाम कुफ्र ये है कि ज़रूरियात दीन यानी वो मसाइल दीन जिनको हर खासो आम जानता हो उनमें से किसी चीज़ का वाज़े तौर पर खिलाफ करना, ये कतअन इजमाअन यानी कतई तौर पर बिल इत्तिफाक कुफ्र है, अगरचे खिलाफ करने वाला कुफ्र के नाम से चिढ़ता और कमाल इस्लाम का दावा करता हो। मज़ीद मालूमात के लिए दावत इस्लामी के मक्तबतुल मदीना की किताब कुफ्रिया कलिमात के बारे में सवाल जवाब का मुताला कीजिए। आजकल हर कोई शायर बनने लगा है, बहुत से ऐसे डमी शायर जिन्हें शेर कहना ही नहीं आता, उनके बारे में किसी शायर ने एक शेर कहा है, शायरी आती नहीं पर शायरी करने लगे, शायरी चारा समझकर सब गधे चरने लगे। शायरी कोई चारा नहीं, ये एक फ़न है। अगर आपको शायरी का फ़न नहीं आता और आप शायरी करने बैठ गए तो ये ऐसा है जैसे आप दर्जी नहीं मगर कपड़ा सीने बैठ जाएं। शायर के लिए ज़रूरी है कि वो जिस ज़बान में कलाम लिखना चाहता है उसके पास उस ज़बान के अल्फाज का बहुत बड़ा ज़ख़ीरा हो, लेकिन इन लोगों को तो पूरी तरह उर्दू भी नहीं आती और ना ही उन्हें ये पता होता है कि रदीफ़, काफिया और बहर किसको बोलते हैं। ये लोग किसी गाने या नात शरीफ के वज़न पर अशार लिख लेते होंगे या फिर कोई खुश इल्हान नात ख्वां हो तो वो तरन्नुम में अशार लिख लेता है, और आवाज़ अच्छी हो तो तरन्नुम की वजह से बेवज़न अशार भी खींच तान के पढ़ लेता है, और शायरी ना जानने वाले लोग उसके कलाम को पढ़ते चले जाते हैं। हालांकि इसमें फ़न शायरी की बहुत गलतियाँ होती हैं, लेकिन इन्हें बोले कौन। अगर कोई बोल दे कि तुम्हारा कलाम अच्छा नहीं तो फिर देखो कैसा तमाशा खड़ा होता है। सवाल, नातिया शायरी करना कैसा है? जवाब, सुन्नते सहाबा अलैहिम रिदवान है, यानी बास सहाबा किराम मसलन हज़रत हसन बिन साबित रदी अल्लाह अन्हु और हज़रत जैद रदी अल्लाह अन्हु वगैरह हुमा से नातिया अशार लिखना साबित है। ताहम ये जहन में रहे कि नात शरीफ लिखना निहायत मुश्किल फ़न है, इसके लिए माहिर फ़न आलिम दीन होना चाहिए, वरना आलिम ना होने की सूरत में रदीफ़, काफिया और बहर यानी शेर का वज़न वगैरह को निभाने के लिए खिलाफ शान अल्फाज तरतीब पा जाने का खदशा रहता है। अवामुन नास को शायरी का शौक़ चराना मुनासिब नहीं कि नसर के मुकाबले में नज़म में कुफ्रियात के सुदूर का ज़्यादा अंदेशा रहता है। अगर शरई अगलास से कलाम महफूज रह भी गया तो फजूलियात से बचने का जहन बहुत कम लोगों का होता है। जी हाँ, जिस तरह आम गुफ्तगू में फजूल अल्फाज की भरमार पाई जाती है इसी तरह बयान और नातिया कलाम में भी होता है। सवाल, क्या गैर आलिम नात शरीफ नहीं लिख सकता और उसकी नात पढ़नी सुननी भी नहीं चाहिए? जवाब, जो उलमाए अहले सुन्नत का सोहबत याफ्ता हो, शरीयत के ज़रूरी अहकाम जानता हो और हर मिसरे की शरई तफ्तीश किसी आलिम से करवा लिया करता हो, उसके लिखने और उसका लिखा हुआ उलमा का तफ्तीश शुदा कलाम पढ़ने में हरज नहीं। मेरे आका आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत मौलाना शाह इमाम अहमद रज़ा ख़ान रहमतुल्लाही अलैह गैर आलिम के नातिया शायरी करने के सख्त खिलाफ थे। सरकार आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान रहमतुल्लाही अलैह के इरशादात आलिया का खुलासा यही है कि जाहिल नातगो शायरों के कलाम बसा औकात कुफ्रियात से भरपूर होते हैं, लिहाजा ऐसे कलाम पढ़ने वालों को महफिल नात में बुलाना भी नाजायज़, ऐसी नात खानी में किसी को भेजना भी हराम और ऐसे कलाम का सुनना भी गुनाह। आला हज़रत दो के अलावा कसदन किसी का उर्दू कलाम ना सुनते। सवाल, आला हज़रत कौन कौन से शुआरा का नातिया कलाम सुनना पसंद फरमाते थे? जवाब, नातगो शायरों की अक्सरियत अपने कलाम में चूँकि अहकाम शरीयत का लिहाज नहीं करती है, इस वजह से आप रहमतुल्लाही अलैह कसदन सिर्फ दो शुअराए किराम, नंबर वन हज़रत मौलाना किफ़ायत अली काफ़ी और नंबर टू हज़रत मौलाना हसन रज़ा ख़ान रहमतुल्लाही अलैहिमा का कलाम समाअत फरमाते थे। मक्तबतुल मदीना की 561 सफ़हात पर मुश्तमिल किताब मलफूज़ात आला हज़रत सफ़ा 225 पर है। एक साहिब हज़रत शाह नियाज़ अहमद साहिब रहमतुल्लाही अलैह के उर्स में बरेली शरीफ तशरीफ़ लाए थे, आला हज़रत रहमतुल्लाही अलैह की खिदमत में हाजिर हुए। कुछ अशार नात शरीफ के सुनाने की दरख्वास्त यानी नात पाक पढ़ने की ख्वाहिश जाहिर की। आला हज़रत ने इस्तफसार फरमाया किसका कलाम, उन्होंने कलाम लिखने वाले का नाम बताया। इस पर इरशाद फरमाया सिवा दो शुअरा के कलाम के किसी का कलाम मैं कसदन यानी इरादतन अपनी ख्वाहिश से नहीं सुनता, फ़कत इन दो यानी मौलाना किफ़ायत अली काफ़ी और मेरे भाई हसन मियाँ मरहूम का कलाम सुनता हूँ। सफ़ा 227 पर मज़ीद फरमाते हैं और हकीकतन नात शरीफ लिखना नहायत मुश्किल है जिसको लोग आसान समझते हैं, इसमें तलवार की धार पर चलना है, अगर बढ़ता है तो उलूहियत में पहुंच जाता है और कमी करता है तो तनकीस यानी तौहीन होती है। अलबत्ता हमद आसान है कि इसमें रास्ता साफ है, जितना चाहे बढ़ सकता है। गर्ज हमद में एक जानिब असलन हद नहीं और नात शरीफ में दोनों जानिब सख्त हद बंदी है। नातिया शायरी हर एक का काम नहीं। प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, अगर किसी महफिल में गैर शरई कलाम पढ़ा जा रहा हो तो जो मालूमात रखता हो उस पर वाजिब है कि इस्लाह करे, जबकि ये ज़न्ने गालिब हो कि गलती करने वाला मान जाएगा और अगर मानने की उम्मीद ना हो तो फौरन उठ जाए। अगर कैसेट वगैरह में नाजायज़ अल्फाज या मानी वाला शेर सुने तो फौरन टेप रिकॉर्डर बंद कर दीजिए और आइंदा भी कैसेट में उस शेर को सुनने से परहेज कीजिए और मुमकिन सूरत में कैसेट और नात खान और नात गो शायर वगैरह की इस्लाह की तदबीर भी कीजिए। किस किस का कलाम पढ़ना चाहिए? सवाल, किस किस शायर की लिखी हुई नातें पढ़ना सुनना चाहिए? जवाब, हर उस मुसलमान की लिखी हुई नात शरीफ पढ़नी सुननी जायज़ है जो शरीयत के मुताबिक हो। अब चूंकि कलाम को शरीयत की कसौटी पर परखने की हर एक में सलाहियत नहीं होती, लिहाजा आफियत इसी में है कि मुस्तनद उलमाए अहले सुन्नत का कलाम सुना जाए। उर्दू कलाम सुनने के लिए मशवरतन नाते रसूल के 7 हुरूफ की निस्बत से 7 अस्माए गिरामी हाजिर हैं। नंबर वन, इमाम अहले सुन्नत मौलाना शाह इमाम अहमद रज़ा खान रहमतुल्लाही अलैह। नंबर टू, उस्ताद-ए ज़मन हज़रत मौलाना हसन रज़ा ख़ान रहमतुल्लाही अलैह। नंबर थ्री, खलीफा-ए आला हज़रत हज़रत मद्दाहुल हबीब हज़रत मौलाना जमीलुर रहमान रज़वी रहमतुल्लाही अलैह। नंबर फोर, शहज़ादे आला हज़रत ताजदार अहले सुन्नत हुज़ूर मुफ्ती आज़म हिंद मौलाना मुस्तफ़ा रज़ा ख़ान रहमतुल्लाही अलैह। नंबर फाइव, शहजादा आला हज़रत हुज्जतुल इस्लाम हज़रत मौलाना हामिद रज़ा ख़ान रहमतुल्लाही अलैह। नंबर सिक्स, खलीफा आला हज़रत सदरुल फ़ाज़िल हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद मुहम्मद नईम उद-दीन मुरादाबादी रहमतुल्लाही अलैह। नंबर सेवन, मशहूर मुफस्सिर हकीमुल उम्मत हज़रत मुफ्ती अहमद यार खान रहमतुल्लाही अलैह वगैरह। सवाल, क्या गैर आलिम शायर का कलाम पढ़ने सुनने की भी कोई सूरत है? जवाब, अगर गैर आलिम शायर का कलाम पढ़ना सुनना चाहें तो पहले किसी माहिर फ़न सुन्नी आलिम से उस कलाम की तस्दीक करवा लीजिए। इस तरह इंशाअल्लाहुल करीम ईमान की हिफाजत में मदद मिलेगी, वरना कहीं ऐसा ना हो कि किसी कुफरिया शेर के माना समझने के बावजूद उसकी तायीद करते हुए झूमने और नारहाय दादो तहसीन बुलंद करने के सबब ईमान के लाले पड़ जाए। गैर आलिम को नातिया शायरी से अव्वलन बचना ही चाहिए और इन अहम मसाइल के इल्म से कबल अगर कुछ कलाम लिख भी लिया है तो जब तक अपने तमाम कलाम के हर शेर की किसी फ़न शायरी के माहिर आलिम दीन से तफ्तीश ना करवा ले, उस वक्त तक पढ़ने और छापने से मुजतनिब यानी दूर रहे। मेरे आका आला हज़रत रहमतुल्लाही अलैह चूँकि पाए के आलिम दीन थे, आपके शेर का हर मिसरा ऐन कुरान और हदीस के मुताबिक हुआ करता था। लिहाजा बतौर तहदीस नेमत अपने मुबारक कलाम के बारे में एक रुबाई इरशाद फरमाते हैं। हूँ अपने कलाम से निहायत महजूज़, बेजा से है अलमिन्नतु लिल्लाहि महफूज। कुरान से मैंने नात गोई सीखी, यानी रहे अहकाम शरीयत मलहूज। खुलासा, मैं अपने कलाम से खूब लुत्फ अंदोज हो रहा हूँ, क्योंकि मुझ पर अल्लाह पाक का एहसान है कि मेरा कलाम फजूल बातों से महफूज है। अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने कुरान पाक से नात गोई सीखी है। मतलब ये कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरा कलाम शरीयत के ऐन मुताबिक है। सैयदी अहमद रज़ा ने खूब लिखा है कलाम, उनके सारे नातिया अशआर पर लाखों सलाम। नातिया अशआर चेक करवाइए। सवाल, उलमाए किराम से अपने नातिया अशआर चेक करवाना क्यों ज़रूरी है? जवाब, बाज़ औक़ात शुआरा भी ऐसी वाहियात बातें करते हैं कि बस ज़ाहिर है ये लोग दुनियावी शायर होते हैं, इनको नात लिखने का शौक़ चढ़ता है या हमद बयान करने की ख्वाहिश होती है या बुजुर्गान दीन की मनक़बत लिखने की सूझती है, तो कुछ का कुछ लिख डालते हैं। ये उनकी फील्ड नहीं है, बल्कि उलमाए किराम का शोबा है। किसी भी गैर आलिम का काम नहीं है कि वो नात या हमद वगैरह लिखे। ज़ाहिर है इन शुअरा को ना अल्लाह पाक से मुतालिक अकायद की मालूमात होती है, ना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकाम व मर्तबे की पहचान। तो जब ये शान मुस्तफ़ा बयान करने जाते हैं तो इल्म ना होने की वजह से तौहीन कर बैठते हैं या माअल्लाह नात को उलूहियत के मर्तबे पर ले जाते हैं, बल्कि कभी तो सरीह कुफ्रियात तक भी कह जाते हैं और अवाम उनके कलाम में नात समझकर पढ़ रहे होते हैं। गैर आलिम शायर खुद को उलमाए किराम का मोहताज रखे, वरना कुफ्र में जा पड़ेगा और मालूम भी ना होगा। शुअरा हजरात मुझे अपना मुखालिफ ना समझें, ना मुझसे नाराज़ हों, ना मेरा आपसे मुकाबला है, ना मैं किसी मुशायरे में हिस्सा लेता हूँ और ना ही मैं ज़्यादा फ़न शायरी जानता हूँ। बस थोड़ा बहुत इल्म है जिससे गुजारा हो जाता है और कलाम लिखने के बाद हत्तल इम्कान उसे चेक करवाता हूँ। नात में लफ्ज़ तू या तेरा कहना कैसा? सवाल, सरकार अली वकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए नात में तू या तेरा के अल्फाज इस्तेमाल करना बेअदबी है। जवाब, जी नहीं, इसलिए कि ताज़ीम व तौहीन का दारो मदार उर्फ पर होता है और हमारे मुआशरे में नातिया कलाम में ऐसे अल्फाज के इस्तेमाल को बेअदबी नहीं समझा जाता, लिहाजा इसमें हरज नहीं। नात लिखना एक फ़न है जिसमें मुख्तलिफ बहरों के मखसूस अवज़ान पर अल्फाज लाए जाते हैं, जिससे कलाम में हुस्न पैदा होने के साथ साथ इसे तर्ज में पढ़ना भी आसान हो जाता है। यही वजह है कि किसी शायर के लिखे हुए कलाम में तब्दीली बल्कि एक हर्फ का भी फ़र्क करने से न सिर्फ कलाम का सारा हुस्न ख़त्म हो जाता, बल्कि उसे किसी तर्ज में पढ़ना भी दुश्वार हो जाता है। लिहाजा अदब इसी में है कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में शरीयत के दायरे में लिखे गए नातिया कलाम को मिनोअन यानी जैसा लिखा है वैसे ही पढ़कर इसके हुस्न को बरकरार रखा जाए, जैसे आला हज़रत रहमतुल्लाही अलैह का मशहूर ज़माना कलाम है। वाह क्या जूदो करम है शहे बतहा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। बाज़ लोग इसे यूं पढ़ते हैं, वाह क्या जूदो करम है शहे बतहा आपका, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला आपका। इस तरह सारे नातिया कलाम का हुस्न ख़त्म कर देते हैं। हालांकि जिन्होंने ये कलाम लिखा है उनका इश्क मुस्तफ़ा और बारगाह मुस्तफ़ा का अदब व एहतराम अपने तो क्या बेगानों को भी मुसल्लम यानी तस्लीम शुदा है। एक बार कराची के किसी इलाके में होने वाली महफिल नात में एक मशहूर व मारूफ आलिम दीन तशरीफ़ फरमा थे। इनके सामने एक नातखा ने यही कलाम पढ़ना शुरू किया, लेकिन अदब के जोम में तेरा के बजाय हर जगह आपका के अल्फाज लगाकर सारे कलाम को बिगाड़ कर रख दिया। बिलाखिर जब आलिम साहिब के सब्र का पैमाना लबरेज हुआ तो इरशाद फरमाया, आला हजरत रहमतुल्लाहि अलैह तुमसे ज्यादा अदब जानते थे, लिहाजा जो लिखा है वो ही पढ़ो। शायर के कलाम में तब्दीली करना कैसा? सवाल। कुछ शुआरा कलाम के आखिर में अपने नाम के साथ आजिज़ी के लिए कुछ अल्फाज लिखते हैं, क्या हम इन अल्फाज को तब्दील कर सकते हैं? जवाब, बाज़ औक़ात बुज़ुर्ग अपने लिए आजिज़ी के ऐसे अल्फाज लाते हैं जिन्हें हम पढ़ नहीं सकते। मसलन आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान रहमतुल्लाहि अलैह का एक शेर है, कोई क्यों पूछे तेरी बात रज़ा। इसके बाद अगले शेर में आपने अपने लिए जो आजिज़ी के अल्फाज इस्तेमाल फरमाए वो मैं अपनी ज़ात के लिए कहता हूँ कि कोई क्यों पूछे तेरी बात अत्तार, तुझसे कुत्ते हज़ार फिरते हैं। आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान रहमतुल्लाहि अलैह ने ये लफ्ज़ अपने लिए आजिज़ी के तौर पर इस्तेमाल किया है। इसमें मेरी अपनी सोच ये है कि ये लफ्ज़ ना कहा जाए, बल्कि यूँ कहा जाए तुझसे कितने हज़ार फिरते हैं, या तुझसे शैदा हज़ार फिरते हैं, या आशिक हज़ार फिरते हैं, या इस तरह का कोई ऐसा लफ्ज़ लाया जाए जो इस मकाम पर मौजू हो और शेर का वज़न भी ना टूटे। जब नातखा ये शेर पढ़ें तो वजाहत कर दें कि आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान रहमतुल्लाहि अलैह ने यहाँ आजिज़ी के तौर पर अपने लिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया था, लेकिन मैंने इसको तब्दील किया है। आजकल के नात खानों को इतना बोलना आता नहीं है, अलबत्ता इतना बोल लेते हैं कि 2 दिन से थका हुआ हूँ, 12 दिन का थका हुआ हूँ, रोज़ महफिलें हैं, 4-4 बज जाते हैं वगैरह। जहाँ वजाहत करनी होती है वहाँ शायद उन्हें सुचका भी नहीं पड़ता, यानी जहन में ही नहीं आता कि वजाहत कर दें। मैं यहाँ सब की बात नहीं कर रहा, बल्कि दिल जलाने के लिए एक बात कर रहा हूँ कि जहाँ वजाहत करनी है वहाँ नहीं करते। बाद औक़ात नात खान अशार का खुलासा कर रहे होते हैं, इसके लिए भी इल्म होना चाहिए। खुसूसन आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान रहमतुल्लाहि अलैह के कलाम की वजाहत में ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत होती है, क्योंकि इनके कलाम डिफ़िकल्ट यानी मुश्किल होते हैं। हदायक़-ए-बख्शीश की शुरूहात लिखी हुई हैं। अगर कोई नात खान उलमा की लिखी हुई शुरूहात से वजाहत याद करके बयान करता है तो कोई हरज नहीं है। क्या इस्लामी बहनें नात के सीगों को बदल सकती हैं? सवाल। एक कलाम है, मैं मदीने चला। अगर इस्लामी बहनें इसको मैं मदीने चली पढ़ेंगी तो क्या ये गलत होगा? जवाब, किसी शायर का कलाम पढ़ना हिकायत करना कहलाता है, यानी जैसा उसने कहा हमने वैसा बयान कर दिया। अब अगर इस्लामी बहनें मैं मदीने चला पढ़ेंगी तो अजीब लगेगा, इसलिए इन्हें मैं मदीने चली पढ़ना चाहिए। लेकिन इस कलाम में आगे भी मर्दाना अल्फाज आ रहे हैं, ये कहाँ कहाँ तब्दीली करेंगी। बहरहाल चला को चली करना ज़रूरी होगा, क्योंकि मुअन्नस के लिए यही इस्तेमाल किया जाता है। अगर चला कहेंगी तो इस्लामी बहनें हंसेंगी और मजाक करेंगी। इसके अलावा बहुत से कलाम ऐसे भी हैं जिनमें तब्दीली की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो वो पढ़ सकती हैं और पढ़े भी जा रहे होते हैं। याद रहे, किसी शायर के अशार अपने नाम पर चढ़ा लेना कि ये मैंने लिखे हैं, झूठ और ख़यानत है। ये बहुत मायूब समझा जाता है और इसे दीनी सरका यानी इल्मी चोरी कहते हैं। अलबत्ता बाज़ औक़ात ऐसा इत्तेफाक भी होता है कि एक ही तरह का मिसरा 2 शायरों ने लिखा होता है, जिसे अदबी यानी फ़नी ज़बान में तवारुद बोलते हैं। अमीर अहले सुन्नत के गुजराती कलाम। सवाल, आपने सबसे पहले कौन सा कलाम लिखा था? जवाब, दरअसल मैं गुजराती मीडियम से पढ़ा हुआ हूँ, जिसका अब हमारे यहाँ इतना चलन नहीं है। गुजराती इतनी मजलूम हो चुकी है कि जो लोग खुद कहते हैं कि हम गुजराती हैं, जब मैं उनसे गुजराती में बात करता हूं तो बाद औकात उन्हें ताज्जुब होता है, क्योंकि वो बेचारे इस तरह की गुजराती बोलते हैं जिस तरह बाज़ लोग अजीबो गरीब उर्दू बोलते हैं। बहरहाल, जिस तरह उर्दू है इसी तरह गुजराती भी बाकायदा एक ज़बान है और बहुत अच्छी ज़बान है। पहले मैं गुजराती के नातिया मुशारों में हिस्सा लेता था और नातिया या मनकबत के कलाम लिखता था। इस मौके पर हाजी अब्दुल हबीब तारी ने अर्ज़ की, आप अपना कोई गुजराती शेर तो सुनाएं। अमीर अहले सुन्नत दामद बरकातुहुल आलिया ने फरमाया, मैंने वो अशार जमा नहीं किए क्योंकि उस वक्त मेरा जमा करने का जहन नहीं था। कभी कभी याद करता हूँ तो कोई शेर याद आ जाता है। एक नात का मक्ता मुझे याद आ रहा है, मांगियो छे इश्के नबी मांगी ना दुनिया एणे, मुझने अत्तार समझदार नजर आवे छे। यानी नबी का इश्क मांगा, दुनिया की दौलत नहीं मांगी, मुझे अत्तार समझदार नजर आता है। ये मेरा बहुत पुराना एहसास था कि दुनिया की दौलत के बजाय आका की मोहब्बत की फरावानी नसीब हो जाए और इश्के रसूल का ज़ख़ीरा मिल जाए। फरमाने आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, शायरों की कही हुई बातों में से सबसे ज़्यादा सच्ची बात लबीद का ये कलमा है, अला कुल्लु शैइन मा खलल्लाहु बातिल, यानी खबरदार, अल्लाह के सिवा हर शय फना होने वाली है।